सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं T1X डिवाइस के अंदर आप जो है स्लो मोशन वीडियोस को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी विदाउट किसी एप्लीकेशन के स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो नो डाउट आप आसानी से कर सकते हैं। गाइस, इसका आपको बाय डिफॉल्ट कैमरे के अंदर सेटिंग्स मिलता है जिससे आप इजीली स्लो मोशन कोई भी वीडियोस बना सकते हैं। गाइस, फोन के अंदर स्लो मोशन वीडियोस को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने कैमरे को। हमारे पास यहाँ पर कैमरा हमारा एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर देंगे एंड इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके पास। यहाँ पर आप वीडियोस, फोटोज एंड आप यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड वगैरह यूज करते हैं। राइट साइड में देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा मोड सेटिंग का, एक बार आप इसको प्रेस कर लेना। यहाँ पर इस मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर स्पोर्ट्स, डबल एक्सपोजर, ड्यूअल व्यू है जो आपका फ्रंट और रियर कैमरा मींस कि दोनों चालू करके रखता है ये ड्यूअल व्यू। तो इन सभी पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आई बटन को चेकआउट कर लेना, उसमें आपको टोटल यूज दिख जाएंगे इस कैमरा सेटिंग्स के। फिलहाल इसमें एक सेटिंग्स मिलेगी स्लो मो करके, एक बार इसको प्रेस करना, ये स्लो मोशन कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो जाएगा। देन इसमें आपको 1x 2x की जूमिंग मिलती है, मींस कि 2x तक आप इसके अंदर जूम कर सकते हो। जैसे कि ये 1x है तो ऑब्जेक्ट हमारा, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है एज एग्जाम्पल, 2x में करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास काफी आ जाएगा, जूम हो जाएगा। देन इसको अगर 1x में करते हैं तो ये काफी दूर चला जाएगा। तो ये चीजें कर सकते हो आप इसके साथ। इवन गाइस, अगर आप यहाँ पर वीडियोस को कैप्चर भी करते हैं, मान लीजिए आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तब भी उसमें आप जूम इन जूम आउट कुछ भी आप यूज करना चाहें तो 2x तक की उसकी जूमिंग है। आप वीडियो कैप्चर करते समय भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। आई थिंक गाइस समझोगे कौन सी सेटिंग्स है स्लो मोशन की एंड कैसे यूज करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर।